राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं गोभी का कीमा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये दो फूल गोभी है जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये एक कटोरी मटर, और ये मैंने दो प्याज कट कर लिए हैं, और ये मैंने मसाला के लिए एक प्याज है और लहसुन है इतना, और ये इतना अदरक है। मैंने लहसुन और अदरक थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि लहसुन और अदरक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने 8-10 हरी मिर्च ले लिए। फ्रेंड्स, मेरे घर में लोग तीखा और चटपटा लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैंने 8-10 मिर्च ली है, आप अपने अनुसार लीजिएगा। और ये मैंने तड़के के लिए लिया है तेज़पत्ता और जीरा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बनाते हैं गोभी का कीमा। हाँ, तो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये अदरक लहसुन मिर्चा और प्याज का पेस्ट है। अब एक कढ़ाई में मैंने इतना ऑयल लिया है, और ऑयल में मैं ये तेज़पत्ता और जीरा का तड़का दूंगी। तड़का देने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी, और प्याज को मैं इसे धीरे धीरे चलाती रहूँगी ब्राउन होने तक। फ्रेंड्स, ये मेरे प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने पतंजलि का हींग लिया है, पतंजलि का बंधानी हींग। आप चाहे तो किसी और कंपनी का हींग भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, प्याज मेरे जो है ब्राउन हो चुके हैं हल्के से। अब मैं इसमें जो है ये मसाला ऐड करूँगी। मसाले को मैं थोड़ा सा धीमे धीमे चलाऊँगी। अब इस मसाले में मैं राजेश मसाला, ये देखिए मैंने राजेश मसाला लिया हुआ है, इसमें मैं 2 पैकेट राजेश मसाला ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैं हल्दी पाउडर भी ऐड करूँगी। ये रहे हल्दी पाउडर, मैंने इतना हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब इसे मैं थोड़ा लाल होने तक मसाले को मैं चलाऊंगी। मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी। अब जब तक ये मसाला तेल न छोड़ दे तब तक मैं ये मसाला भूनती रहूंगी। मसाले मेरे भुना रहे हैं, और देखिए ये तेल छोड़ दिया हुआ है, और मसाले मेरे अब लगभग भून चुके हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, मेरे घर में नमक थोड़ा लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैं नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड करूंगी, और आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद मैं इसे चलाती रहूंगी, मैं इसे थोड़ा और भूनूंगी। फ्रेंड्स, मसाले मेरे भून चुके हैं। अब मैं इसमें जो है ये एक कटोरी जो मटर लिए हैं मैं ये ऐड करूंगी। इसमें मसाले में मैंने मटर को ऐड कर दिया है। अब मैं मटर को हल्का पकने तक इसे चलाऊंगी और हल्का सा ढक के रख दूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूंगी। अब मैं इसे ढक देती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। देखिए, मटर मेरे पक के तैयार हो चुके हैं। मटर मेरे पक रहे हैं, और इसे मैं 5 मिनट के लिए अभी और पकने के लिए रखूंगी। देखिए, 5 मिनट बाद अब मैं इसे चेक कर रही हूँ, और मटर मेरे हो चुके हैं, पक चुके हैं एकदम। अब मैं इसमें ये गोभी जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में किए हैं, अब इस गोभी को मैं इसमें ऐड करूंगी। गोभी को ऐड करने के बाद अब मैं इसे धीरे धीरे मिक्स करूंगी। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। धीरे धीरे मैं इसे मिक्स करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये गोभी जो है हमारा पानी छोड़ेगा, इसलिए मैं इसमें अब पानी नहीं ऐड करूंगी, ये गोभी से ही पक जाएगा सारा। तो अब इसे मैं ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। कीमा लगभग बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, देखिए देखने में कितना स्वादिष्ट और कितना टेस्टी लग रहा है। मैं इसे 2 मिनट के लिए और पकने दूंगी। अब मैं इसे खोल के देखूंगी,
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कीमा बनके तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी, ये हरी धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखिए धनिया डालने के बाद इसमें कितना टेस्ट हो आ जाता है, और बहुत ही देखिए कितना टेस्टी और कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसे हम पूड़ी के साथ, पराठा के साथ या रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और मेरा ये डिश अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक नई डिश के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।